हेलो, वेलकम बैक टू डिज़ाइंस ऑफ इंडिया। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक फ्लैट में सिविल चेंजेस करके एक स्पेशियस लिविंग रूम क्रिएट किया गया है और साथ ही एक स्पेशियस बेडरूम क्रिएट किया गया है। आप देख सकते हैं इस फ्लैट का ये एग्जिस्टिंग लेआउट है, जिसे हमने सिविल चेंजेस के बाद इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। एंट्रेंस में ही पैसेज क्रिएट किया गया है जो मेन लिविंग रूम को कनेक्ट करता है। आप देख सकते हैं इस वॉल को, जहाँ पे हमने टीवी यूनिट को प्लान किया है और उसी के साइड में हमने उस वॉल को एक डेकोरेटिव लुक दिया है। आप देख सकते हैं इस वॉल पे हमने टीवी यूनिट प्लान किया है। टीवी यूनिट और फर्नीचर के लिए वीनियर का यूज़ किया गया है, जिसमें ब्लैक वुडन ग्रेन्स है जो इस टीवी यूनिट को काफ़ी खूबसूरत बनाता है। इसी टीवी यूनिट में हमने उसके टॉप के लिए ब्लैक ड्यूको पेंटेड पैनल दिया है और एक शेल्फ है जो टीवी यूनिट के ऊपर से रन हो रहा है, जिसमें लाइट्स है, उसको भी हमने ब्लैक ड्यूको पेंट कर दिया है। टीवी यूनिट जहाँ पे ख़त्म होता है, वहाँ पे उस वॉल पे हमने एक ब्यूटीफुल टाइल यूज़ किया है। जो वॉल है उसको टाइल में क्लैड किया है और वहाँ पे आर्टिफिशियल प्लांट्स प्लेस किए हैं और पेंटिंग्स हैंग किया है, जिससे ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। पैसेज में ये यूनिट जो आप देख सकते हैं, एक मल्टी यूटिलिटी यूनिट है, जिसमें एक बार स्टोरेज है, बुक स्टोरेज है, एज वेल एज डिस्प्ले एरिया भी है। इसके टॉप में हमने एलिबस्टर शीट्स यूज़ किए हैं, जिसके अंदर हमने लाइट्स प्लेस किए हैं और जब वो लाइट हम ऑन करते हैं तो ये यूनिट काफ़ी खूबसूरत लगता है। यूनिट के टॉप में जहाँ पे ऊपर हमने स्टोरेज दिया है, जहाँ पे ये स्टोरेज एंड होता है, वहाँ पे वुडन राफ्टर्स दिए हैं, जिसमें एक लाइट कलर्ड वुड यूज़ किया है और जिसमें क्रीपर्स हमने वहाँ पर रन किए हैं और ये एक लाइवली लुक देता है इस बार एरिया में। बार एरिया के साइड में जो वॉल है उसे वॉलपेपर से डेकोरेट किया है। डीकैल्स यूज़ करके वहाँ पे फ़ोटो फ्रेम का क्लस्टर दिया गया है, जिसमें फैमिली फोटोग्राफ्स प्लेस किए हैं। ये मास्टर बेडरूम का टीवी यूनिट है, जिसमें हमने एक छोटा सा टीवी यूनिट के लिए पैनल दिया है और उस पैनल के पीछे लाइट प्लेस किए गए हैं एंड दो स्टोरेज ड्रॉवर्स प्लेस किए। टीवी यूनिट के पीछे के वॉल पे हमने वॉलपेपर प्लेस किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये मास्टर बेड प्लेस किया हुआ है। मास्टर बेड के साइड में ड्रेसिंग यूनिट दिया हुआ है और मास्टर बेड के ऊपर एक वुडन शेल्फ जा रहा है, जिसमें हमने लाइट्स थ्रो किए हैं उस वॉल पे। ये रूम एक गेस्ट रूम है, जहाँ पे हमने बेसिकली ब्लैक, वाइट एंड ग्रे कलर्स यूज़ किए हैं। टीवी यूनिट में भी हमने एक वॉलपेपर यूज़ किया है जो एक पेंटिंग की तरह है और जिसमें वापस सेम ब्लैक एंड वाइट कलर्स यूज़ किए हुए हैं। टीवी यूनिट को लग के ही एक स्टडी कम वर्क एरिया दिया गया है। ये एंट्रेंस एरिया है, जहाँ पे हमने वुडन पैनलिंग किया है। वुडन पैनलिंग के लिए हमने पाइन वुड के बैटन्स यूज़ किए हैं एंड जो साइड वॉल है उसमें आप देख सकते हैं कि एक ब्रिक फिनिश्ड का एक वॉलपेपर यूज़ किया गया है और नेम प्लेट में हमने एक ग्लास नेम प्लेट यूज़ किया है, जिसमें लाइट्स है एंड डोर के साइड में जो निशेस क्रिएट किए हैं उसमें ब्यूटीफुल प्लांटर्स प्लेस किए हैं। कॉपर फिनिश्ड की एक सेफ्टी ग्रिल्स हमने यहाँ पे डिज़ाइन की है। डाइनिंग एरिया को विंडो के साइड में प्लेस किया हुआ है। इस लिविंग रूम में एक टॉयलेट ब्लॉक है, जिसके डोर को हमें इस तरीके से ट्रीट करना था कि वो बहुत ऑब्वियस नहीं हो, तो हमने वहाँ पे एक MDF पैनल यूज़ किया है डोर के वॉल पे एंड सेम पैनल ऊपर सीलिंग में भी कंटिन्यू कर रहा है। इमीडिएटली देखने पर ये पता नहीं चलता कि वहाँ पे कोई टॉयलेट का डोर है। ये जो मिरर आप देख सकते हैं, ये गेस्ट रूम के वार्डरोब के बैक पे प्लेस किया गया है, जो पैसेज एरिया से
विजिबल है, और ये एरिया बेसिकली जो मेन एंट्रेंस है इसके ऑपोजिट है। तो जैसे हम डोर ओपन करते हैं तो ये मिरर का व्यू हमें दिखता है, और वो मिरर में जो पैसेज एरिया है वो काफ़ी स्पेशियस लगता है क्योंकि ये मिरर उसे डेप्थ देता है। दोनों बेडरूम्स में हमने स्लाइडिंग वार्डरोब्स यूज़ किए हैं। किचन में पैरेलल प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया गया है, एक साइड में मंदिर दिया हुआ है और उसी एंड में टॉल यूनिट प्लेस किया है जहाँ पे अवन और माइक्रोवेव प्लेस किए गए हैं। किचन में थोड़ा लाइट और स्पेशियस लुक होने के लिए ग्लास यूनिट्स भी यूज़ किए गए हैं। एडिशनल स्टोरेज के लिए दोनों साइड पे हमने लॉफ्ट स्टोरेज दिया है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। कमेंट में हमें ज़रूर ज़रूर लिखिए, और अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपको एक नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।